अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नई न्यू वीडियो आई मेकअप ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं NYBA का स्किन डिफाइंड सीरम अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, पूरे आईज़ पे, ताकि मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और ताकि मेरा फाउंडेशन कंसीलर अच्छे से अप्लाई हो जाए, बिल ब्लेंड हो जाए। तो मैं अपना ओलिविया का पेन स्टिक अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ पे, और मैं आपको ना वो सीरम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी नीचे, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इसे ज़रूर बाय करिए। तो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ओलिविया पेन स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। आप चाहो तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं अपना म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ अपनी ब्राउज को फिलअप करने के लिए। ब्राउन वाला म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर, इससे मैं अपने आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ। आपको धीरे धीरे जो आपकी आईब्रो की शेप है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है अपनी आईब्रोज़ को, और धीरे धीरे करना है बिल्कुल। जो हमारी नेचुरल शेप होती है आईब्रोज़ की, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही हमेशा अपनी आईब्रोज़ फिलअप करनी चाहिए। और आगे से मैं इस तरीके से ब्रश की हेल्प से ऊपर की तरफ कर रही हूँ, ताकि मेरे हेयर जो है नेचुरल लगें, आईब्रोज़ के आईब्रोज़ एकदम नेचुरल लगे। फिर मैं अपना ये स्पूली की हेल्प से कॉम कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को, और अपना पूरा मैं पेन स्टिक अपने फेस पे और माथे पे सब हर जगह मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप चाहो तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। फिर मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा मियोन का कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको सूट करे। तो मैं अपना आउटर कॉर्नर पर टेप लगा रही हूँ, इसकी हेल्प से हमारा आई शेडो अच्छे शेप में लगेगा। तो मैं अब ये अपना आई शेडो पैलेट में से ये रेडिश और मैरून सा कलर अपना एज अ ट्रांजिशन शेड मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। आपको इस तरीके से बैक एंड फोर्थ में अच्छे से अप्लाई करना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। आपको ब्लेंड अच्छे से करना है, ब्लेंडिंग में टाइम देना है आपको पूरा। तो इस तरीके से बैक एंड फोर्थ में आपको ब्लेंड करते जाना है। फिर मैं अपना ये डार्क ब्राउन कलर, कॉफ़ी कलर मैं अपना अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन पे, ताकि मेरी क्रीज में और डेप्थ आ जाए अच्छे से। फिर मैं अपना ये मार्स के शेडो पैलेट में से ये रॉयल ब्लू कलर शिमरी शेड में अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, बाद में मैं फिंगर की हेल्प से करूँगी। फिंगर की हेल्प से पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आती है। शिमरी शेड हमेशा फिंगर्स टिप से ही अप्लाई करें अपने लिड पे। इस तरीके से आपको पूरी लिड पे अप्लाई करना है। इसे अच्छी तरह मैं अपनी फिंगर से पूरे लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अप्लाई करने के बाद मैं अपना लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर आपको हमेशा मिड पार्ट से स्टार्ट करना है, फिर इनर कॉर्नर से लेके फिर आउटर कॉर्नर तक पूरी एक लाइन खींचनी है लैश लाइन के ऊपर। फिर आपको इस तरीके से विंग बनाना है टेप की गाइडलाइन से, हमारा विंग बहुत अच्छा लग जाता है। फिर मैं अपना इनर कॉर्नर बना रही हूँ। ये एंगल ब्रश है, आप इनर कॉर्नर आपको बनाना हो तो इस तरह का एंगल ब्रश जरूर लीजिए। इससे आपका इनर कॉर्नर अच्छा बन जाता है और इससे आपकी आईज़ की शेप बहुत बड़ी सी अच्छी सी लगती है। फिर मैं अपना काजल अप्लाई कर रही हूँ, म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर जो है मैं उसी को एज अ काजल अप्लाई कर रही हूँ। अब थोड़ा सा नीचे लोअर लैश में मोटा कर रही हूँ उसे। फिर मैं अपने छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से स्मज कर रही हूँ अपना पूरा। ब्लैक शेड लेना है आपको किसी भी आई शेडो पैलेट से, उसको नीचे आपको लोअर लैश में अच्छे से स्मज करना है, इस तरीके से ब्लेंड करना है। फिर जो हमने ट्रांजिशन शेड लिया था पहले रेडिश कलर का, फिर उससे भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी लोअर लैश में। फिर मैं अपना आईलैश ग्लू अप्लाई कर रही हूँ लिड पे। आपको इस तरीके से पूरी लिड पे जहाँ हमने ये शिमरी शेड लगाया था ब्लू, इसके ऊपर अप्लाई करना है। फिर मैं अपना ये ग्लिटर, लूज ग्लिटर आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा, 20 रुपये की डब्बी आती है, मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदा था। और इस तरीके से आपको ग्लू के ऊपर स्टिक करना है पूरा। तो हमेशा आपको ग्लिटर लाइनर अप्लाई करने के बाद ही स्टिक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्लिटर लाइनर लगाने से पहले आप ग्लिटर अप्लाई कर लोगे तो आपका लाइनर नहीं लग पाएगा। तो अब मैं ये मार्स का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए, गोल्डन हाइलाइटर। ये बहुत ही अच्छा है मार्स का, और अपनी ब्राउ बोन को भी मैं इसी से हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से।
इसके बाद मैं अपना मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आपको मस्कारा बहुत ही अच्छे से लगाना है, टाइम देना मस्कारा में। जितना अच्छा मस्कारा आपको लगेगा तो आपकी लैशेस जो होंगी फेक लैशेस उसमें अच्छी लगेंगी। लोअर लैशेस में ज़रूर मस्कारा अप्लाई करें। फिर मैं अपनी फेक लैशेस अप्लाई कर ली। इस तरह से आपको ऐसे दबाना है अपनी लैशेस को, फिर मेरा ये फाइनल लुक इस तरीके का है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो आई ट्यूटोरियल, तो लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को और शेयर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।